आपको जान के बहुत खुशी होगी कि इंडिया ने मेक इन इंडिया को एक कदम आगे ले जाते हुए इतिहास रच दिया है। जी हाँ, इंडिया ने अपने आर्म्स इंडस्ट्री को बूस्ट करते हुए देश का पहला स्वदेशी टारपीडो अपने पड़ोसी देश म्यांमार को एडवांस लाइट टारपीडो साइना की पहली खेप एक्सपोर्ट कर दी है। आपको बता दें, 2017 में इंडिया और म्यांमार के बीच 37.9 मिलियन की डॉलर की डील हुई थी। इसी के तहत म्यांमार को एडवांस लाइट टारपीडो साइना का एक जत्था दिया गया है। साइना एक एंटी वार सबमरीन टारपीडो है जो समुद्र के अंदर दुश्मनों की शिप को चकनाचूर करने में पूरी तरह सक्षम होता है। दोस्तों, आपको बता दें, एडवांस लाइट टारपीडो को भारत डायनेमिक लिमिटेड ने बनाया है, जो एक पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, और इसको सबमरीन के लॉन्चर में फिट करने का काम एलएनटी ने किया है, लार्सन एंड टुब्रो ने, जिसे डीआरडीओ के नवाल साइंस टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी द्वारा विशाखापट्टनम में बनाया गया है। एडवांस लाइटवेट टारपीडो इंडिया का फर्स्ट टारपीडो है। अब इस एंटी सबमरीन टारपीडो को इंडिया की नेवी के साथ साथ म्यांमार की नेवी भी यूज करेगी। इस टारपीडो का वजन 230 किलोग्राम है। इसकी लंबाई 2750 मिलीमीटर, चौड़ाई 324 मिलीमीटर। ये अपने साथ 50 किलो हाई एक्सप्लोजिव वारहेड ले जाने में पूरी तरह सक्षम है। इसमें एक इलेक्ट्रिक इंजन लगा हुआ है। इसे शिप, हेलीकॉप्टर और सबमरीन से लॉन्च किया जा सकता है। अब तक 25 एडवांस एंटी सबमरीन लाइट वेट टारपीडो बनाया जा चुका है। थैंक यू दोस्तों।